कैसे हो तुम लोग। तो आज की इस वीडियो में फिर से तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए कुछ ऐसे बग्स ग्लिचेस ट्रिक्स और पता नहीं क्या लेके आ चुका है, जिनको देखने के बाद ना तुम लोग पगला ही जाओगे कि ऐसा भी कुछ गेम में हो सकता है या गरीना ने इस चीज को कब गेम में ऐड कर दिया। तो बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में तुम लोग को काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। और हाँ, अगर तुम लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर सबसे पहले वाले बग को करने के लिए तुम लोग को सबसे पहले एक बाइक लेनी है, देन तुम लोग को जाना हैंगर की इस वाले ट्रक के पास। यहाँ पे कुछ आने के बाद तुम लोग अपने बाइक को लेना, देन तुम लोग अपने बाइक को कुछ इस वाले स्टाइल में लाके यहाँ पे लगा देना ट्रक के पास कुछ ऐसे जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और जैसे तुम लोग बाइक लगा तो फिर तुम लोग को उतरना है और बैठना है गाड़ी पे, इंटर और गेट आउट कर देना। देन तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा पानी के अंदर आ चुके हो। अब इस वाले ट्रक के इस्तेमाल करके जैसे तुम लोग मैप के नीचे आ जाते हो, अब यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, बहुत ही सारे किल कर सकते हो क्योंकि नीचे से तुम लोग ऊपर के सारे बंदों को देख सकते हो और उन्हें मार सकते हो। और अगर तुम लोग यहाँ पे स्नाइपर लेके आते हो तो भाई मजे ही है तुम लोगों के। और ये वाला बग ना दो तरीकों से खतरनाक हो जाता है, क्योंकि नीचे हो तो तुम लोग सारे बंदों को मार सकते हो, यहाँ पे जो घर में बैठे रहेंगे उन्हें भी मार सकते हो, और एक और काम कर सकते हो तुम इस वाले बग का इस्तेमाल करके। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को चलते चलते आ जाना पानी के इस साइड पर, देन तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम्हारा आधा शरीर ना सरबोर्ड के अंदर पानी के अंदर और आधा जमीन के बाहर, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग लग रहा है यार। मतलब कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है अपने गेम में कि आधा शरीर पानी के ऊपर है और आधा शरीर जमीन के नीचे। तो देख ही सकते हो ये वाला बग कितना खतरनाक है। तो इस वाले बग को जाओ यार अभी ट्राई करो। अपने अगले वाले बग को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना, देन तुम लोग AWM वाई या AWM खरीद लेना तुम लोग सबसे पहले। फिर तुम लोग को आ जाना इस वाले सेटिंग के पास, और जैसे तुम लोग सेटिंग के पास आ जाते हो तो तुम लोग तो पता ही है कि तुम लोग होल्ड स्कोप ऑन करते हो तो एक ही गोली मार पाते हो कुछ ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पे मार रहा हूँ, अगर मैं कोई गोली मारता हूँ किसी बंदे को ऐसे कुछ, तो यहाँ पे बस एक ही गोली निकल रही है और रिलोड आ जा रहा है उसके बाद स्कोप ऑन करके। उसके बाद तुम लोग को करना है, देखो ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को करना है कि तुम लोग सबसे पहले जाके इसमें से ना जो होल्ड पाया टू स्कोप होता है इसे ऑफ कर देना है। देन तुम लोग को ये जो सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो फायर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फायर का ऑप्शन और सेटिंग के बटन दोनों पे एकदम से टैप करना है, एकदम से टैप टैप करते रहना फायर के बटन पर, देन सेटिंग के बटन पे। उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम AWM का ना एकदम ऑटो पे चला पा रहे हो, मतलब एक ही जैसे चल रही है AWM एकदम मक्खन। मतलब कि इस वाले बग को इस्तेमाल करने के बाद ना तुम लोग AWM को ऑटो पे चला सकते हो। भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब ऑटो पे कैसे चल सकती है अपनी AWM, लेकिन तुम लोग यहाँ पे चला सकते हो इस वाले बग का इस्तेमाल करके अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो जाओ इस वाले बग को भी ट्राई करो गेम में और बताओ तुम लोग में ये वाला ट्रिक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग आ जाना बीमा शक्ति के इस वाले ट्रैक के पास, जो ऊपर की साइड होता है ना अपने पीक के साइड पे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तुम लोग को लगा देना अपने मिनी लॉन्च पैड को कुछ ऐसे ट्रक के सामने, और जैसे तुम्हारा लॉन्च पैड लग जाता है देन तुम लोग इसके ऊपर चढ़ जाना। फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आना है। देन तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरे ट्रक के नीचे आ चुके हो, और यहाँ पे जैसे ही तुम लोग आओगे तुम लोग देखोगे कि तुम्हारा थोड़ा सा शरीर बस बाहर है जमीन के और बाकी सारी जमीन के अंदर है, मतलब गर्दन से ऊपर का हिस्सा जमीन से बाहर है। तो यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो। और अगर तुम लोग दौड़ के इस साइड आते हो जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग ट्रक के बाहर भी ना यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे कि तुम्हारा आधा शरीर जमीन के अंदर और थोड़ा सा शरीर जमीन के ऊपर है। मतलब कि ये वाला बग काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ट्रक के बाहर भी तुम लोग इस वाले बग का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला बग ना देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, और अगर तुम लोग अपने फ्रेंड्स के सामने ये वाला बग करते हो ना तो उन्हें दिखाते हो तो पूरा पगला ही जाएंगे कि क्या ही बग है यार। तो अपने अगले वाले बग को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग आ जाना है अपने जो न्यू वाला भूया पास है इसमें, फिर तुम लोग को ऑल प्राइजेस में आ जाना है। फिर यहाँ पे आने के बाद जो अपना न्यू वाला पेट का स्किन आया है इसको देख लो सबसे पहले तुम लोग, और देन इसका जूम का बटन होता है इसको भी देख लो। तो फिर तुम लोग अब करना है कि तुम्हारा जो जूम का बटन होता है और जो तुम्हारा पेट होता है ना दोनों को साथ में दबाना। उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम्हारे पेट ना यहाँ पे दो हो चुके हैं, और ये वाला बग ना देखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है क्योंकि एक पेट का स्किन तुम्हारा कितना सारा बड़ा दिख रहा है और एक पेट का स्किन मतलब छोटा सा दिख रहा है, जो कि देखने में काफी क्यूट और अमेजिंग लग रहा है। और इसके साथ साथ इस वाले भूया पास तुम लोग और भी चीजें कर सकते हो, जैसे किसी वाले बग का इस्तेमाल करके तुम लोग अपने मॉन्स्टर ट्रक के स्किन जो आई है ना अपने भूया पास में इसको भी डबल कर सकते हो, और ये वाला मॉन्स्टर ट्रक भी देखने में काफी ज्यादा मतलब अमेजिंग और खतरनाक लग रहा है अपने डबल वाले रूप में। और ना साथ ही साथ इसी वाले बग का इस्तेमाल करके तुम लोग ना अपने बैकपैक वाला और जो दो कैरेक्टर का बग पहले आया तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग बैकपैक पे क्लिक करना है, देन तुम लोग को जूम पे क्लिक करना है जो मैंने पहले बता रखा है। जैसे तुम लोग ट्रिक फॉलो करोगे यहाँ पे तुम्हारे दो कैरेक्टर हो जाएंगे दो बैकपैक के साथ। भाई सब देखने में ये वाला बग काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, तो इस वाले बग को भी जाकर ट्राई करो और बताओ कि न्यू भूया पास में ऐसा भी ग्लिच होता है।
तो अपने अगले वाले बग को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को आ जाना इस वाली जगह पे अपने रिमनम प्लेस पे, और यहाँ पे जो फिश हाउस दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ जाना है तुम्हारे पास। फिर लॉन्च पैड भी होना चाहिए अपना मिनी वाला। देन तुम लोग अपने लॉन्च पैड को कुछ ऐसे लगाना है जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ जाना है। फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है जो कि हम हर बार ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको एक क्लिक करना है। फिर देन तुम लोग को गेम में वापस आ जाना है। उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा वॉल के अंदर आ चुके हो। और इस वाले बग का इस्तेमाल करने के बाद जैसे तुम लोग दौड़ते दौड़ते आगे आते हो तो यहाँ पे इस घर के मतलब जो इस घर में बंदा छुपा रहेगा उसको तुम लोग बहुत ईजिली देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग नीचे हो इस घर के और यहाँ पे वो बंदा तुम्हें नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम उस बंदे को देख के इजीली यहाँ से मार सकते हो, वो भी हेडशॉट। तो ये वाला बग काफी ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग है, और मुझे तो नहीं लगता कि रिमनम पे इस बग को यूज करने की जरूरत पड़ेगी कभी, लेकिन हाँ कभी कभी हो सकता है कि रिमनम पे भी जोन बन जाए अपना लास्ट वाला, तो वहाँ पे भी इस वाले बग का तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत सारे किल करके अपना रैंक पुश कर सकते हो। तो अपने लास्ट वाले बग को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। देन तुम्हारे पास होना चाहिए जो अपना न्यू वाला ओरिनो कैरेक्टर होता है वो। फिर तुम लोग यहाँ पे आने के बाद करना है कि सबसे पहले तुम लोग अपने ओरिनो कैरेक्टर को चालू करना है। देन तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर लेना है। उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा गायब हो चुके हो ट्रेनिंग ग्राउंड में। मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि कोई बंदा इनविजिबल हो चुका है पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में, इसे कोई देख ही नहीं पा रहा है। लेकिन तुम्हारा डाटा ऑफ है तो इसे इनविजिबल नहीं बोलेंगे, लेकिन ये वाला बग काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि इनविजिबल होकर ना तुम लोग सारी चीजें घूम सकते हो यहाँ पे पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में, और कोई बंदा तुम्हें मारेगा भी नहीं, और सारे ऑफलाइन है क्योंकि तुम भी ऑफलाइन हो। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, पर हाँ इस बार ये वाला बग का लॉजिक है यार। तुम लोग मजे करो इस वाले बग का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये वाला बग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और अगर तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस वाले बग को दिखाते हो, उन्हें बताते हो कि ऐसे भी कुछ होता है अपने गेम में, तो लोग पूरा पगला ही जाएंगे कि क्या ही बग है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि तुम लोग को ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।